नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम ग्रू में दोस्तों मेरा नाम है सुमित और आज मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए 2019 के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण शपथ समारोह हुए हैं राज्यपाल उपराज्यपाल और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति विभिन्न देशों के उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बने हैं 2019 के अंतर्गत मैं आपको सभी इस वीडियो के अंतर्गत बताने वाला हूं इस वीडियो को शुरू से आखिर तक पूरा देखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है 2020 में जितनी भी एग्जाम्स होने वाली है उनके परस्पेक्टिव से तो हम बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरू करते हैं आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न है किसने लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में शपथ ग्रहण की देखिए अभी हाल ही में 2019 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन हुआ था 370 धारा तीन हटाई गई थी उसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर राज्य से लद्दाख को अलग कर कर दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया तो बहुत ही ज़्यादा न्यूज़ में भी रहा था इसलिए हंड्रेड एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है तो अभी हाल ही में लद्दाख के पहले उपराज्यपाल के रूप में किससे नियुक्त किया गया है किसने शपथ ग्रहण किए तो इस क्वेश्चन का सही तरह तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी आर के माथुर देखिए आपको बता दें अभी इकतीस अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर से लद्दाख को अलग कर दिया गया है और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है और लद्दाख के उपराज्यपाल के रूप में आर के माथुर जो कि एक रिटायर आई है आई है उनको अभी आर आर के माथुर जी को उपराज्यपाल के पद पर नियुक्त किया गया है राधा कृष्ण माथुर को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से चलिए दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है देखिए अभी हाल ही में 2019 में मई 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ग्रहण की है तो यहां पर पूछा गया कि, कि किस तारीख को शपथ ग्रहण की है तो इस क्वेश्चन का सही तरफ तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी तीस मई कब किए तीस मई 2019 को उन्होंने शपथ ग्रहण की आपको यहां पर बता दे कि जो एनडीए के पास इस बार कितने सांसद हैं तीन जबकि बीजेपी अकेली अकेली पार्टी के पास टोटल 303 सांसद है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नंबर भी आप याद रखिएगा कि तीन सौ बावन एनडीए के तीन सौ बावन सांसद जबकि तीन सौ तीन बीजेपी के सांसद तो और कब ग्रहण किए नरेंद्र मोदी ने शपथ तीस मई दो हजार उन्नीस को शपथ ग्रहण किए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किसने महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत ही न्यूज में रहा था महाराष्ट्र का भी मुद्दा तो इस क्वेश्चन का सही तरह तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए उद्धव ठाकरे देखिए उद्धव ठाकरे ने अभी हाल ही में महाराष्ट्र के 19वें मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है और मैं आपको यहां पर बता दूं कि उन्हें यह शपथ किसने दिलाई है तो वहां के राज्यपाल राज्यपाल याद रखिएगा भगत सिंह कोश्यारी जो कि महाराष्ट्र के राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी उन्होंने उसकी इसकी गोपनीयता पद की शपथ उनको दिलाई है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हाल ही में जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने किस राज्य के राज्यपाल के तौर पर शपथ ली तो देखिए किस राज्य के राज्यपाल के तौर पर शपथ लिए तो इस क्वेश्चन का सही तो तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गोवा देखिए गोवा के राज्यपाल के तौर पर इन्होंने शपथ ली अब यह शपथ इनको किन्न दिलाई है तो याद रखिएगा राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 25 अक्टूबर 2019 को सत्यपाल मलिक को गोवा के नए राज्यपाल के तौर पर शपथ दिलाई है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में ताइवान की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली तो अभी हाल ही में किसने ताइवान की प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए सूद सेंग सूदसेंग चांग ने हाल ही में जनवरी 2019 में ताइवान की नई प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है नवीन पटनायक ने लगातार कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली आपको बताना है कि जो नवीन पटनायक है उन्होंने लगातार कितनी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है तो इसका सही दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लगातार पांचवी बार देखिए लगातार पांचवी बार उन्होंने उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है देखिए यहां पर एक और चीज एक और क्वेश्चन बन सकता है कि उड़ीसा के राज्यपाल कौन है तो याद रखिएगा गणेशी लाल गणेशी लाल जो कि उड़ीसा के राज्यपाल है उन्होंने जो नवीन पटनायक को पांचवी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हमारा अगला क्वेश्चन है हाल ही में किस न्यायमूर्ति ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली आपको बताना है कि हाल ही में किस न्यायमूर्ति ने मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद की शपथ ली है तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए न्यायमूर्ति मोहम्मद रफी किसने लिए न्यायमूर्ति रफीक ने लिए चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निकोलस मादुरो ने 10 जनवरी 2019 को लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ले लिया आपको बताना कि जो निकोलस मदुरो है उन्होंने 10 जनवरी 2019 को लगातार दूसरी बार किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी वेनेजुएला देखिए वे वेनेजुएला के दूसरी बार लगातार दूसरी बार राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली किसने निकोलस माधुरो ने चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है आपको बताना है कि हाल ही में किसने यूक्रेन के नए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी व्लादिमीर जेलेंसकी देखिए व्लादिमीर जेलेंसकी ने भी हाल ही में यूक्रेन के नए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है आपको यहां पर बताते कि जो व्लादिमीर जेलेंसकी है वह एक पेशेवर कॉमेडियन भी है कौन है पेशेवर कॉमेडियन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया था बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा पूछा जा सकता है तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी देखिए अभी हाल ही में जो नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ था उसमें समारोहटेक के संगठन के नेताओं को आमंत्रित किया गया अब यहां पर बात हो रही है बिम्स्टेक की तो आपको बता दें कि बिम्स्टेक संगठन है उसमें कौन कौन से देश आते हैं तो देखिए सबसे पहले तो आता है भारत खुद आता है इसके अलावा बात करूं तो बांग्लादेश आता है म्यांमार आता है श्रीलंका भी आता है थाईलैंड आता है नेपाल आता है और भूटान इतने देश आते हैं बिम्स्टेक में तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बिम्स्टेक नेताओं को आमंत्रित किया गया था मैंने आपको बता दिया बिम्स्टेक में कौन कौन से देश आते हैं एक बार और बतायाता हूँ भारत आता है बांग्लादेश आता है म्यांमार आता है श्रीलंका आता है थाईलैंड आता है नेपाल आता है और भूटान आता है बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये वाला भी चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन है सुप्रीम कोर्ट के किस पूर्व जस्टिस ने हाल ही में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की शपथ ली है तो किसने ली है इस क्वेश्चन का सही तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मदन बी लोकूर देखिए मदन बी लोकूर ने अभी हाल ही में शपथ ली और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि यह पहला मौका है जब कोई भारतीय जज किसी दूसरे देश की शीर्ष अदालत में जज बना है यहां पर एक और चीज गौर करने वाली है कि जो जस्टिस लोकुर है वो इसके पहले गुवाहाटी और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं और यहाँ पर बता कि 2012 में वो सुप्रीम कोर्ट के जज भी बने थे भारत में और 31 दिसंबर 2018 को वो सेवानिवृत्त मतलब रिटायर हो गए थे इसके बाद उन्हें हाल ही में फिजी के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की शपथ दिलाई गई किसे मदन बी लोकुर को चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है किम के किस मुख्यमंत्री ने 27 मई 2019 को शपथ लेने के बाद घोषणा किया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों को हर हफ्ते दो दिन छुट्टी मिलेगी आपको बताना है कि सिक्किम के उस मुख्यमंत्री का नाम बताना है जिन्होंने 27 मई 2019 को शपथ लेने के बाद घोषणा की कि, कि राज्य के सभी सरकारी कर्मचारियों को हर हफ्ते दो दिन की छुट्टी मिलेगी तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन तो नंबर ए प्रेम तमांग। प्रेम सिंह सिंह तमांग तमांग अब यहां पर बात हो रही है सिक्किम की तो सिक्किम की मैं आपको राज्यपाल भी बता देता हूं याद रखिएगा सिक्किम के जो राज्यपाल है वो है गंगा प्रसाद गंगा प्रसाद जिन्होंने प्रेम सिंह तमांग को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है वाला भी चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा अल्बर्ट रे फर्नांडिस ने नेशनल कांग्रेस में एक समारोह में किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली तो किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ है तो इस क्वेश्चन का सीत्र दोस्तों ऑप्शन नंबर ए अर्जेंटीना अर्जेंटीना के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिए किसने अल्बर्ट्रे फर्नाडिस ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये वाला भी चलिए दोस्तों ने क्यों दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन चलते हैं अगला है हाल ही में में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पत पर निम्न में से किसने शपथ ली है तो दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पद पत पर अभी किसने शपथ ली है तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर तो होगा ऑप्शन नंबर डी सिरिल राम फोसा अपने नाम सुना होगा न्यूज में अभी हाल ही में सिरिल राम फोसा ने दक्षिण अफ्रीका के नए राष्ट्रपति पद की शपथ ली है दोस्तों अगर आपको हमारा आज का वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन जरूर मैंने आज आपको बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो बना बताया है दो के जितने भी और महत्वपूर्ण वीडियो की मैं आपके लिए लाता रहूंगा धन्यवाद जय हिंद जय जह भारत